हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त विनोद विजयवर्गीय आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एग्जाम गाइड में बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, डेली की तरह आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके आई एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स, वैसे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कई बार मिलता है कि सर आप 5 से 7 मिनट का या 10 मिनट का छोटा वीडियो बनाते हैं तो इसे बड़ा करिए, बट आई थिंक किसी चीज को बड़ा करने से मतलब नहीं है। मैं आपको जो डेटा 30 मिनट में कोई और आपको स्टडी करवा रहा है वो डेटा मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको 5 से 7 मिनट में, ताकि आप वीडियो देख के बोर भी ना हो, तो 5 से 7 मिनट में वो सारी चीजें कवर करवाने की कोशिश करता हूँ जो आपके आईए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज फिर से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अपने पास लेन, वेन और मेन। सबसे पहले तो आपको इन तीनों की फुल फॉर्म पता रहनी चाहिए। ये अपने पास टाइप ऑफ नेटवर्क है। तो लेन की मैं बात करूं तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वेन की मैं बात करूं तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मेन की मैं बात करूं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो तीनों की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। इसके बाद नेटवर्क की मैं बात करता हूं, बिकॉज ये सब नेटवर्क के टाइप है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क होता है अपने पास कि बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती है और कम्युनिकेशन कर लेती है, तो वो होता है अपने पास नेटवर्क। नेटवर्क स्थापित करने के लिए अपने पास बहुत सारी डिवाइसेस भी होती है। फॉर एग्जांपल, अपने पास रिपीटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अब उन तीनों टाइप को जो कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आते हैं अपने पास। सबसे पहला लेन है अपने पास। लेन होता है अपने पास लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क अपने पास लोकल एरियाज के लिए होता है, जैसे कि घर हो गया, स्कूल हो गया, लेब हो गई, तो इन सब में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए अपन इस टेक्नोलॉजी का यूज में लेते हैं। इससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मैं बात करूं 5 कंप्यूटर है और प्रिंटर एक ही है, तो हम लैन टेक्नोलॉजी के द्वारा उस प्रिंटर को उन 5 कंप्यूटर से शेयर कर सकते हैं और 5 कंप्यूटर से हम उस एक सिंगल प्रिंटर पर किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट दे सकते हैं, तो वो हो गई अपने पास शेयरिंग। तो लेन के द्वारा हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेन वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, मतलब दोनों फॉर्म में अपने पास लेन हो सकता है फ्रेंड। सबसे आपको कई बार पूछ लिया जाए कि वाईफाई किसका एग्जांपल है अपने पास, तो वाईफाई अपने पास लेन का ही एग्जाम्पल होता है। ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें डिवाइसेज लेन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपस में कनेक्टेड है और कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। और ईथरनेट की मैं बात करूं तो अपने पास यह एक लैन को कनेक्ट करने की एक टेक्नोलॉजी है अपने पास, जो कि लैन में यूज में ली जाती है। इसके बाद वेन की मैं बात करता हूं। वेन होता है अपने पास वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है अपने पास वो नेटवर्क जो वाइड मतलब बहुत फैला हुआ हो, तो पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क फैला हुआ है अपने पास वो वेन होता है अपने पास। वेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंटरनेट होता है अपने पास। और इसके अलावा कई बार आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंकों द्वारा जो एटीएम का नेटवर्क होता है वो किस टाइप का नेटवर्क होता है, लेन, वेन या मेन। तो आपका आंसर होगा वेन। वेन होता है अपने पास जो बैंकों द्वारा एटीएम सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, वह नेटवर्क अपने पास वेन होता है। इसके बाद यह मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें बहुत सारे सर्वर्स, वर्क स्टेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये अपने पास वेन होता है। इसके बाद मैं मेन की बात करूं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने पास टीवी केबल नेटवर्क का होता है। मेन का एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा। तो मेन के अंदर हम एक सिटी को आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं डिवाइसेस को, जैसे कि टीवी केबल वाले करते हैं, वो मेन का ही एग्जाम्पल है अपने पास। मेन अपने पास लेन से बड़ा होता है और वेन से छोटा होता है, मतलब आपको तीनों का ये भी पता रहना चाहिए कि सबसे छोटा नेटवर्क लेन होता है, फिर उससे बड़ा मेन होता है और सबसे बड़ा वेन नेटवर्क होता है अपने पास। तो कई बार आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाता है। ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें बिल्डिंग्स वगैरह, होम वगैरह आपस में एक आईएसपी के द्वारा कनेक्टेड है और कम्युनिकेशन कर रही है मेन नेटवर्क के थ्रू। इसके बाद एक चार्ट है अपने पास, यहाँ से बहुत से बार क्वेश्चन मिल जाता है और लास्ट टाइम भी आपके आईए के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओनरशिप की। ओनरशिप की बात करें तो लेन प्राइवेट होता है अपने पास, मेन पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है और वेन भी पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है अपने पास। यूज्ड फॉर की बात करूं तो अपने पास कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह के लिए लेन यूज में लेते हैं, स्मॉल टाउन, सिटी वगैरह में मेन यूज में लेते हैं, और कंट्री और वर्ल्ड में डिवाइसेस को कनेक्ट के लिए अपने पास वेन यूज में लिया जाता है।
रेंज की मैं बात करूं तो फ्रेंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग जगह आपको इसके अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग रेंज मिल जाएगी। बाकी मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सही रेंज दे रहा हूँ, आपको 1 से 10 किलोमीटर तक की लेन की रेंज होती है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सी बार आपको मीटर्स में भी आपको रेंज दे दी जाती है, तो वहां आप इस 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना। मेन की रेंज की बात करूं तो अप टू 100 किलोमीटर होती है अपने पास। वैन की बात करूं तो बियॉन्ड टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ऊपर अपने पास वैन की रेंज होती है। स्पीड की मैं बात करूं अपने पास तो हाईएस्ट स्पीड होती है लेन की अपने पास, उसके बाद मेन की होती है और सबसे कम अपने पास वैन की स्पीड है अपने पास। फोर्ट टॉलरेंस की बात करूं तो अपने पास लेन में ज्यादा टॉलरेंट है, मेन में कम है थोड़ा और वैन में भी थोड़ा कम है अपने पास। मीडिया यूज की बात करता हूं अपने पास तो लेन में गाइडेड मीडिया यूज में लेते हैं, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ये सब गाइडेड मीडिया होती है। मेन में भी गाइडेड मीडिया यूज में लेते हैं, वैन में अनगाइडेड मीडिया यूज में लेते हैं। इक्विपमेंट नीडेड की बात करूं तो लेन में NIC हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, ये सारे इक्विपमेंट इसमें यूज में लिए जाते हैं। मेन में मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, और वैन में अपन बात करें तो अपने पास माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गई अपने पास, तो ये सब चीजें वैन में इक्विपमेंट यूज में लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।